ये स्टोरी जेसन और उसके जानी दुश्मन डेड फेस की है और आज इन दोनों में मिलकर जम के लड़ाई हुई और आखिरकार डेड फेस ने जेसन को मार ही दिया और अब जेसन की मौत हो चुकी है, यानी कि अब जेसन जिंदा नहीं रहा क्योंकि डेड फेस ने जेसन का गला घोटकर उसे वहीं मार दिया है। अब तो जेसन सुधर भी चुका था और गुल्ली बुल्ली का दोस्त भी बन गया था, फिर भी डेड फेस ने जेसन को मार दिया क्योंकि वो उसका जानी दुश्मन है। डेड फेस जेसन को मारकर बहुत खुश हो चुका है क्योंकि डेड फेस का मकसद ही जेसन को मारना था और उसने अपना मकसद पूरा कर लिया है। इस ट्रेन में गुल्ली और गुल्ली के मामा और उनका एक भांजा है जो गुल्ली और गुल्ली से मिलने उनके शहर जा रहे हैं और स्टेशन पे गुल्ली और गुल्ली अपने मामा और अपने भांजे का वेट कर रहे हैं। गुल्ली बुल्ली स्टेशन पे खड़े हैं और ट्रेन आने का वेट कर रहे हैं ताकि वो अपने मामा और भांजे को यहाँ से लेकर जा सके। इस स्टेशन का नाम टट्टी खाना है जो गुल्ली और बुल्ली के घर से सबसे पास का स्टेशन है और गुल्ली बुल्ली के मामा और भांजा इसी स्टेशन पे आने वाले हैं, इसलिए गुल्ली और बुल्ली इसी स्टेशन पे है। थोड़ी देर बाद वो ट्रेन स्टेशन पे आ जाती है जिस ट्रेन से गुल्ली और बुल्ली के मामा आने वाले थे। गुल्ली और बुल्ली देखते हैं उनके मामा और उनका भांजा गेट पे ही खड़े हैं। ये देखकर गुल्ली और बुल्ली बहुत खुश होते हैं और इधर गुल्ली और बुल्ली का भांजा भी गुल्ली और बुल्ली को देखकर बहुत खुश होता है। मामा जी अपने लड़के को लेकर ट्रेन से नीचे उतरते हैं और गुल्ली और बुल्ली के पास आते हैं और इधर ट्रेन अब अपने स्टेशन से निकलने वाली है। ट्रेन ने हॉर्न दिया और वहां से जाने लगी। ट्रेन अब स्टेशन से जा चुकी है और गुल्ली बुल्ली के मामा और भांजा स्टेशन पे उतर चुके हैं और फिर बुल्ली अपने मामा से कहता है, मामा जी ट्रेन का सफर कैसा था? कहीं कोई परेशानी तो नहीं हुई? अगर कोई परेशानी हुई है तो बता दीजिए। बुल्ली की बात सुनकर मामा जी कहते हैं, नहीं बुल्ली मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। गुल्ली बुल्ली अपने भांजे को कई सालों बाद देख रहे हैं। ये जब 2 महीने का था तभी गुल्ली और बुल्ली ने इसे देखा था और अब ये बहुत बड़ा हो चुका है। और फिर बुल्ली उससे पूछता है, और छोटू तुम्हें कोई परेशानी आने में तो नहीं हुई? मामा, वैसे तो ट्रेन में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन पापा ने आइसक्रीम नहीं दिलाया इसलिए मैं ट्रेन में थोड़ा रोने लगा। लेकिन पापा ने मुझसे कहा, आप रास्ते में जाते हुए मुझे एक बड़ी सी आइसक्रीम दिलाओगे, इसलिए मैंने ट्रेन में आइसक्रीम के लिए जिद नहीं किया। मामा जी, आपको छोटू को आइसक्रीम दिला देना चाहिए, इतनी रात को बड़ी सी आइसक्रीम कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि अभी रात के 11 बज रहे हैं। गुल्ली और बुल्ली अपने मामा और अपने भांजे को रिसीव कर चुके हैं और फिर मामा जी ने कहा कि चलो अब जल्दी से घर चलते हैं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। गुल्ली और बुल्ली अपनी गाड़ी लेकर ही आए हैं, इसलिए गुल्ली और बुल्ली अपने मामा को अपनी गाड़ी में ही लेकर जाएंगे। गुल्ली और बुल्ली टट्टी खाना शहर से होते हुए अपनी घर की तरफ जा रहे थे क्योंकि गुल्ली और बुल्ली के घर की तरफ इससे आसान रास्ता अब कोई नहीं जाता। गुल्ली और बुल्ली को जल्दी घर भी पहुंचना है, लेकिन रास्ते में इनके पल्ले एक और मुसीबत पड़ने वाली है और उस मुसीबत का पता आपको इस वीडियो में चलेगा। बुल्ली अपनी गाड़ी जैसे ही चौरसिया चौराहे से मुड़ाता है, डेड फेस उन लोगों को देख लेता है और पहचान लेता है कि ये गुल्ली और बुल्ली ही है जो की यहाँ से गुजर रहे है। डेड फेस ने तो जेसन का मर्डर कर ही दिया है, लगता है डेड फेस अब गुल्ली और बुल्ली का भी मर्डर करना चाहता है। लेकिन क्या डेड फेस सच में गुल्ली और बुल्ली का मर्डर करना चाहता है या फिर डेड फेस गुल्ली और बुल्ली से बात करना चाहता है, का पता आपको थोड़ी ही देर में चल जाएगा। और फिर डेड फेस गुल्ली और बुल्ली का पीछा करने लगता है। इधर गुल्ली और बुल्ली टट्टी खाने शहर से बाहर आ चुके थे और अब गुल्ली और बुल्ली जंगल के रास्ते से होके अपने घर जा रहे थे। गुल्ली और बुल्ली का घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ी ही देर में ये लोग अपने घर पे पहुँच जाएंगे। लेकिन इन्हें क्या पता रास्ते में इनकी मुलाकात एक बहुत बड़े मुसीबत से होने वाली है और गुल्ली बुल्ली इस बात से बेखबर थे कि इनके पीछे डेड फेस दौड़ते दौड़ते आ रहा है और इन्हें वो थोड़ी ही देर में पकड़ लेगा। डेड फेस इनका पीछा कर रहा था तभी अचानक से भांजे की नजर पीछे गई। भांजा देखता है पीछे कोई गाड़ी का पीछा कर रहा है। भांजा सोचता है, लगता है उस आदमी को इन लोगों से कोई मदद चाहिए। और फिर भांजा ये बात गुल्ली बुल्ली से कहता है, हमारा कोई पीछा कर रहा है, एक बार पीछे मुड़के देख लो मामा।
भांजे की बात सुनकर गुल्ली और बुल्ली पीछे देखते हैं तो देखते हैं कोई इनका सच में पीछा कर रहा है। गुल्ली बुल्ली सोचते हैं कि उस आदमी को सच में इनसे मदद चाहिए और फिर बुल्ली ने गाड़ी को एक साइड लगाया और रोड किनारे ले जाकर खड़ा कर दिया। इधर डेडफेस आखिरकार दौड़ते दौड़ते उन लोगों के पास पहुंच जाता है और फिर डेडफेस उन लोगों के गाड़ी के पास आकर खड़ा हो जाता है और बुल्ली को ध्यान से देखने लगता है। ये देखकर गुल्ली और बुल्ली बहुत डर जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि अब ये कौन है। बुल्ली ने डेडफेस से पूछा, तुम कौन हो और तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? कहीं तुम हमें मारना तो नहीं चाहते? तुम तो एक मॉन्स्टर लगते हो। गुल्ली की बात सुनकर मॉन्स्टर गुल्ली से कहता है, पहले तुम दोनों गाड़ी से बाहर आओ, तुम दोनों को एक बहुत जरूरी बात बतानी थी। डेडफेस की बात सुनकर गुल्ली और बुल्ली गाड़ी से बाहर आ जाते हैं और डेडफेस के सामने खड़े हो जाते हैं। लगता है डेडफेस कोई बहुत बड़ा सीक्रेट बताने आया है। लगता है डेडफेस जेसन की मौत के बारे में बताने आया है कि डेडफेस ने जेसन को अब मार दिया है और अब गुल्ली बुल्ली को जेसन से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब डेडफेस गुल्ली और बुल्ली का दोस्त है, लेकिन गुल्ली और बुल्ली को ये बात सुनकर झटका लग चुका है क्योंकि जेसन तो गुल्ली और बुल्ली का पहले ही दोस्त बन चुका था। और फिर गुल्ली ने डेडफेस से कहा, डेडफेस जेसन हमारा दोस्त था और तुमने उसके साथ क्या कर दिया? तुमने तो उसे मार ही डाला। इधर गुल्ली और बुल्ली के मामा जी को समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ चल क्या रहा है और फिर मामा जी गुल्ली से पूछते हैं, गुल्ली तुम बता सकते हो यहाँ चल क्या रहा है और ये बड़ा सा मॉन्स्टर कौन है? कहीं ये तुम्हें मारने तो नहीं आया? मामा जी, इसको तो हम लोग जानते भी नहीं है, पता नहीं ये कौन है और उल्टा आज इसने हमारे एक दोस्त का मर्डर कर दिया है। अब आप ही बताओ हम करे तो करे क्या? इसने हमारे दोस्त जेसन को मार दिया जो हमारा दोस्त हुआ करता था और उसे बताने हमारे पास आया है। डेडफेस ये सारी बात सुनकर कहता है, मैं तो बाबा की तरफ से आया हुआ था, बाबा ने मुझे जेसन को मारने के लिए भेजा था, मुझे क्या पता जेसन तुम्हारा दोस्त है। गुल्ली और बुल्ली बहुत गुस्सा हो चुके हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब करे क्या। गुल्ली और बुल्ली के साथ मामा भी है, इसलिए गुल्ली और बुल्ली चाहते हैं कि वो मामा को ले जाकर सबसे पहले घर पे छोड़ आए। इसलिए गुल्ली और बुल्ली कार में बैठते हैं और मामा को लेकर घर की ओर चल जाते हैं। और आज बाबा ने डेडफेस से जेसन को मरवा दिया है जो गुल्ली बुल्ली का दोस्त हुआ करता था। लेकिन बाबा ने डेडफेस को कब अपना दोस्त बनाया? क्योंकि डेडफेस एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है और ये किसी का भी दोस्त नहीं बनता। अगर आपको इसके बारे में स्टोरी जाननी है तो प्लीज कमेंट में लिखकर बताएं। दोस्तों आपको कैसी लगी ये स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे सेट कर दें।